हेलो दोस्तों, एमएस किचन लाइफ में आपका स्वागत है। गाइज, आज हम मैदे का कटकट हलवा बनाने जा रहे हैं, जिसे मैदे का कतली भी कह सकते हैं, जो मुलायम नहीं होगा और इसे महीनों रख करके आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 बाउल मैदा लिया है, इसे अच्छे से छान लेना है। जितना आप मैदा ले रहे हैं उसका 1.5 आपको चीनी लेना है, यानी 2 बाउल अगर मैदा है तो उसमें 1.5 बाउल चीनी लेंगे। तो चलिए मैदे को भून लेते हैं। तो पैन में 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालें या घी डालें और इसमें मैदे को एकदम हल्की सौंधी खुशबू आने तक भूनना है। डीप ब्राउन नहीं करना है और ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना है। बस आपको इसे हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। गाइस, इसमें नारियल का पाउडर ज़रूर डालें, आप इसे घर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। चलिए अब चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए 1/2 कप पानी में आपको चीनी डाल देना है, 2-3 टेबल स्पून नारियल का पाउडर डालें, 1 टीस्पून घी भी ऐड कर दें। इसे आपको लगातार चलाते हुए एक तार की चाशनी बनाना है, लेकिन जब एक तार की चाशनी बनकर के तैयार हो जाए तो इसे थोड़ा और पकाना है, जिससे कतली ना हार्ड होगा और ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो चलिए, मेरा चाशनी भी तैयार होने वाला है, इसमें हम घी ऐड कर देते हैं। अभी एक तार का चाशनी बन चुका है, इसे और थोड़ा सा पका लेते हैं। चाशनी आपको एकदम ध्यान पूर्वक बनाना है। ये देखिए, दोनों उंगली में ये चाशनी डालने से दोनों उंगली चिपक रहा है। चाशनी तैयार होने से पहले आपको ट्रे में थोड़ा ऑयल लगा करके रख देना है। ऑयल एकदम कम नहीं लगाएं, थोड़ा ज़्यादा ही लगाएं ताकि हलवा चिपके नहीं। चाशनी में मैदे को डाल करके खूब अच्छे तरह से मिला दें और आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट भी ऐड कर लें और इसे उस ट्रे में डाल करके बराबर कर दें। इसे ज़्यादा ठंडा नहीं होने दें, 1-2 मिनट के अंदर ही इसका कतली बना लें, ज़्यादा हार्ड नहीं होने दें। इसी तरह आपको भी ज़्यादा हार्ड नहीं होने देना है, हार्ड होने से पहले कतली बना देना है। चलिए, हम भी गार्निशिंग के लिए थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं। ड्राई फ्रूट डाल करके मिला दें, हाथ से इसे बराबर कर लें और आप इसे महीनों रख करके इसका यूज कर सकते हैं। और आपका कतली कैसा बना ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।